चैनल मैं हूं रौनक, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड 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 बट बेस्ट, और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा जादुई चीज शेयर करने वाली हूं। बहुत टाइम हो गया था कोई वायरल प्रोडक्ट मिल नहीं रहा था, अब जब जाके मुझे ये मिला है तो फटाक से मैंने बिना कोई देरी के इसको परचेस कर लिया है और इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने बैठ चुकी हूं। खड़े होकर भी तो रिव्यू शेयर कर सकते। एक टाइम था यूट्यूब पे इतने सारे वायरल प्रोडक्ट होते थे, चाइनीज, कोरियन, जापानीज, इंडियन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अब वो भी कम होते जा रहे और प्लस व्यूज भी कम होते जा रहे। सब्सक्राइबर्स भी यार, वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब करके भी जाया करो, छोटा सा सब्सक्राइब का बटन है दबा दिया करो, कहाँ दिक्कत आ रही है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आज मेरे पास एक ऐसा मिराकुलस मिस्टीरियस एंड मैजिकल टैन एंड डेड स्किन रिमूवल जेल जो आपकी बॉडी पे से चाहे सालों का या सदियों का टैन जमा हो, मैल जमा हो, उसको सेकंड्स में निकाल के रख देगा। कुछ नहीं करना है, बस आपको जेल लगाना है और 30 सेकंड्स तक आपको स्क्रब करना है। इसका एक और तरीका है जिसको आप उसको लगा के रहने दोगे कुछ 5 से 10 मिनट तक का, वो भी देख लेंगे और ये भी देख लेंगे, दोनों तरीके हम ट्राई कर लेंगे। उसके बाद आप देखोगे कि आपकी बॉडी पे से सारी टैनिंग, सारा मैल, सारी गंदगी छूम अंतर हो जा रही है। जादू नहीं है तो क्या है ये? जहां इतने महंगे महंगे फेशियल्स, ब्यूटी ट्रीटमेंट जो काम नहीं कर पा रही है, वो ये 100 से 200 रुपए के अंदर मिलने वाला जेल जादू दिखा रहा है। बहुत हो गई बातें, ये देखो आप, इसके अंदर है हमारा वो वायरल टैन एंड डेड सेल रिमूवल जेल या डेड स्किन रिमूवल जेल, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। मैं इसको ऑलरेडी ओपन करके देख चुकी हूँ और मैंने इसको मीशो से मंगवाया है। 1 2 3 टक 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 पागल ये पागल वो पागल कर दे जहाँ जी ये जाए। कितने अच्छे से इसको पैक करके भेजा गया है, आप देखो कितनी सारी प्लास्टिक्स लगी हुई है, कितनी सारी कहाँ है, कितनी सारी, इतनी सी प्लास्टिक तो लगी हुई है बस। गाइस तो ये है हमारा इतना ज्यादा वायरल होने वाला टैन रिमूवल जेल, और ये पिंक कलर का क्यों आया मुझे पता नहीं, जबकि इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था ना, एक्स्ट्रा कुछ कलर डाल के तो नहीं भेज दिया इन लोगों ने। यहाँ पे लिखा हुआ है वुमेन ब्यूटी टैनिंग डेड स्किन रिमूवल फेस एंड बॉडी, आप इसको फेस पे यूज कर सकते हो और अपनी बॉडी पे यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, द रनिंग जेल टेक्सचर स्प्रेड स्मूथली एंड इजिली ऑल ओवर द बॉडी फॉर क्विक एंड मेस फ्री सेल्फ टैनिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। और गाइस यहाँ पे इसका MRP प्रिंट है 499 रुपीज, ठीक है, लेकिन हमें ये मिला है सिर्फ और सिर्फ 100 या फिर 123 रुपीज का, मुझे करेक्टली याद नहीं है, मैं इसका प्राइस मेंशन कर दूंगी या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट तो हमारा अनबॉक्स हो गया है और देखने में भी ना कितना प्यारा सा प्रोडक्ट लग रहा है, ये मजा आ गया देख के। लेकिन मैंने ना मीशो पे इसके कुछ रिव्यू देखे थे, पहले हम वो रिव्यू भी चेकआउट करेंगे। जब मैं वायरल प्रोडक्ट टेस्ट करती हूँ उसके कमेंट सेक्शन में मुझे एक कमेंट बहुत देखने को मिलता है कि वीडियो स्टार्ट आफ्टर 5 मिनट्स, फॉरवर्ड कर करके वीडियो देखो आप और उसके बाद आप इसको कहीं भी कैसे भी लगा लो, फेस पे ब्रेकआउट हो जाए, पिंपल्स आ जाए या फिर आपको रैशेस हो जाए आपकी बॉडी में, उसके बाद क्या, कुछ नहीं ना, लेके बैठे रहो आप, पूरा फॉलो अप दे रही हूं मैं आपको, फिर भी इतनी मस्ती है ना। 11 डेज बिफोर एक यूजर ने इसको 5-star रेटिंग दी है और लिखा है कि इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट और ये काफी अच्छी ब्रांड की है और इसकी क्वालिटीज भी काफी अच्छी है, इसकी हेल्प से मेरी काली स्किन आगे का नहीं पड़ेंगे हम। उसी के नीचे आप देखोगे वहाँ पे फिर से इसको 5-star रेटिंग मिली है, नाइस प्रोडक्ट, इसकी हेल्प से मेरा डार्क स्पॉट और डेड स्किन वाला फेस रिमूवा हो गया, स्किन को एकदम सॉफ्ट एंड मुलायम बना देता है, जबकि सॉफ्ट एंड मुलायम का तो उसका कुछ काम ही नहीं है, इसे तो डेड स्किन सेल रिमूव कर रही है ना। इसे यूज करने के बाद तो काफी तक सुंदर हुआ मेरा फेस, थैंक यू मीशो। सुन के ना बड़ा मजा मिल रहा है मुझे तो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी से इसको यूज कर लूं। तो इन ऑल काफी अच्छे रिव्यूज थे इसके, मेरे पास सबूत है, आप देखो इसका बिफोर एंड आफ्टर, यूज करने के बाद स्किन कितने हद तक चमकने लगती है, 3 दिन में गोरा बना देगा ये, दुनिया भर की सारी खूबियां है इस जेल के अंदर। तो सर्व गुण संपन्न जेल हमें रिसीव हुआ है मीशो से। इसको यूज करने का ना कुछ तरीका है, आप चेक करो हाउ टू यूज। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ जेल इन योर हैंड, रब जेल जेंटली ऑन डार्क स्पॉट, लीव इट फॉर 5 मिनट्स, वॉश ऑफ जेल विथ ल्यूकवार्म वाटर, जेंटली पैट ड्राई स्किन विद टॉवल। कितने अच्छे अच्छे फायदे यार इसके, अब तो सबर नहीं किया जा रहा है, जल्दी से इसको यूज करके देखते हैं। मेरे माइंड में ना अभी भी एक कंफ्यूजन है, हम जो वायरल वीडियोस देख रहे थे उनमें ना वो लोग जेल ले रहे थे और उसको लगा के स्क्रब करके ऑन द स्पॉट रिमूव कर दे रहे थे, है ना, जो भी डेड स्किन सेल थी वो सब पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो ऐसा रिमूव हो जा रही थी, समझ रहे हो ना। लेकिन ये प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है कि आपको उसको 5 मिनट तक रखना पड़ेगा स्क्रब करके, ठीक है, ये भी करके देख ले, कुछ भी हो बस हमारी टैनिंग निकल जाए। मेक श्योर जब आप इसको यूज करो ना तो आपका फेस और आपकी बॉडी थोड़ी सी क्लीन होनी चाहिए, मतलब पानी से आप इसको एक बार वॉश कर लेना। और ये गया जेल, अरे अच्छा देख रहे हो, वाव गाइज कितना पिंक कलर का जेल निकल रहा है यार, ये देखो आप कैसे पिंक कलर का जेल है और ये ज्यादा वाटरी नहीं है। आपने देखा होगा मीशो पे ना जो मेकअप किट में हमें प्राइमर रिसीव होते हैं ना वो इसी टेक्सचर के होते हैं। तो अब हम करेंगे इसको रब, ये मेरे
हाथ पे पता नहीं कैसे जाले से बन गए, आप चेक करो इसको कि ये मेरी डेड स्किन है, ये बहुत जिद्दी है, ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, कैसा चिपक सा गया है मेरे हाथ में। ये दिख रहा है आपको पिंक पिंक कलर का कुछ प्रोडक्ट मेरे हाथ पे, थोड़ा सा जेल मैंने और लिया है और आप ये देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ पे से ना कुछ गंदे गंदे से पार्टिकल निकल रहे हैं, दिख रहा है आपको। आप कुछ देखो या मत देखो, आप मेरा हाथ देखो, ये देखो कैसे टैनिंग निकल रही है मेरे हाथ में से। मुझे खुद को पता नहीं था कि इतनी टैनिंग मेरे हाथ में कब आई, कहां से आ गई इतनी डेड स्किन सेल मेरे हाथ पे, किसी जादू से कम नहीं है ये। और मेरे हाथ पे ना बहुत इचिंग हो रही है, पता नहीं क्यों, यहाँ देखो कैसा रेड रेड सा हो गया हाथ पे। तो आपने इसका रिजल्ट चेक कर लिया है, अब हम देखेंगे कि ये फेस पे कैसा काम करता है, मेरे फेस पे से ये कितनी डेड स्किन सेल रिमूव कर पाता है। तो मैं वाइप करूंगी अपना आधा मेकअप, पता नहीं क्यों लेकिन बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है इसको अप्लाई करने के बाद, ऐसा लग रहा है कि पूरा हाथ खुजा लूं मैं। तो लगा लेते हैं इस वायरल जेल को, और इतनी जेल मेरे हिसाब से काफी है, काफी कूल कूल सा लग रहा है यार, वाओ। थोड़ी देर रब करने के बाद आप देखोगे कि इसके अंदर से ना छोटे छोटे से कुछ पार्टिकल्स निकलने लगते हैं और लोगों को ये लगता है कि ये उनकी डेड स्किन सेल है। कितनी टैनिंग, कितना मैल और कितनी गंदगी थी मेरे फेस पे अब तक, कैसे सब निकल रहा है ना मेरे फेस पे से बिना कोई फेशियल करवाए, बिना कोई बड़ी ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाए, चुटकियों में 100 से 150 रुपए के अंदर निकल रही है, क्या किसी जादू से कम है ये, आप खुद देखो। तो मैं इसको वाइप कर ले रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि इससे आपको भर भर के एक्ने, पिंपल, ब्रेकआउट सब कुछ आ सकता है। स्किन अलग रेड रेड दिख रही मेरी यहाँ पे, बस पिंपल ना आए कल तक, दुआ करो मेरे लिए ठीक है। लुक एट दिस, कितना टैन और मैल था मेरी फेस और बॉडी पे, बाप रे जबरदस्ती का सौदा है ये, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या काम है इसका और क्यों काम है इसका। ऐसी फोटोज, ऐसे वीडियोस और ऐसे रिजल्ट देखने के बाद कुछ लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और वो लोग नादानी में ऐसे प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं। ऐसा कुछ परचेस करने के पहले मुझे याद रखा करो। मैं हूँ यहाँ पे मौजूद आपको बताने के लिए कि कितना सच है और कितना झूठ है। पता नहीं इसके अंदर ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो रब करते ही ना एक्टिव हो जाता है और उसके बाद उसमें से कुछ रबर जैसा निकलने लगता है। आपको पता होगा इसके पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, उसका थंबनेल है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो वाला वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। सेम टू सेम वही रिजल्ट, वही पैसा बर्बाद, प्लस हाथ पे रैशेस और फेस पे एक्ने एंड ब्रेकआउट होने का चांस। बताओ, रिजल्ट आपके सामने है, रिव्यू आपके सामने है और आप बहुत समझदार हो। सो गाइस, वो सही था मेरा आज का वीडियो ऑन टैनिंग एंड डेड स्किन जेल रिमूवल पे। आपने देखा कुछ भी काम नहीं है इसका, पैसे बर्बाद है, तो आप इसको बिल्कुल भी परचेस नहीं करोगे। और अगर आपको वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया हो तो डू लाइक इट, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड गाइस।